नमस्कार फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर समीशान शंकर एक बार फिर नए वीडियो के साथ आया हूं। तो फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक पर बात करूंगा और जो टॉपिक अभी पूरे इंडिया में नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में छाया हुआ है, वह हर एक लोग उससे तंग हैं, हर एक लोग पीड़ित हैं और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो लोगों को दुख दिया है। वो टॉपिक है फ्रेंड्स, कोरोना। तो फ्रेंड्स, कोरोना के बारे में आज बात करेंगे और कोरोना में होम्योपैथ की दवा जो होती है कैसे फ़ायदा पहुंचाती है और कैसे लाभ करती है नुकसान होने से, और नुकसान हो रहा है तो किस तरह से वह यूजफुल है, इस पर बात करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, एक कोरोना अगर हो गया है तो कृपया धैर्य को बनाए रखें, अपने सेहत को दुरुस्त करने के प्रति पॉजिटिव सोचें, निगेटिव नहीं सोचें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहें और होम्योपैथी दवा का यूज भी साथ में करते रहें। फ्रेंड्स, अगर ऐसा लगता है कि जैसे ऑक्सीजन की कमी पड़ गई हो, ऑक्सीजन लेने में कुछ दिक्कत हो, बेचैनी हो, तो आप कार्बोवेज 30 यूज कीजिए। फ्रेंड्स, कार्बोवेज 30 आप 3 से 4 बार यूज कीजिए दिन में, बहुत ही फ़ायदा पहुंचाएगी। फ्रेंड्स, फेफड़े की बीमारियों में फ्रेंड्स फॉस्फोरस 200 यूज कीजिए। जब ऐसा लगे कि सांस लेने में दिक्कत हो रही हो, फेफड़े में प्रॉब्लम सा कुछ है, सांस फंस रहा हो, तो उस हालत में आप दिन में 3 से 4 बार फॉस्फोरस 200 यूज कीजिए। ये बहुत ही जल्दी लाभदायक लाभ पहुंचाती है और फ़ायदा करती है। फ्रेंड्स, जब सांस लेने में दिक्कत हो, नाक और ये गला जो हो सूख रहा हो, गले की जो मेम्ब्रेन झिल्ली होती है वो सूख जाती है जिसके कारण सूखी खांसी आ रही हो, सांस फूलना, फटने वाला सर दर्द, कफ निकलने में दिक्कत हो रही हो, 2 कदम चलने पर ही सांस भारी हो रही हो, इस स्थिति में आप ब्रायोनिया यूज कीजिए। फ्रेंड्स, ब्रायोनिया 200 यूज कीजिए दिन में 3 से 4 बार, बहुत ही फ़ायदा पहुँचाएगी। एक दवा है फ्रेंड्स, आर्सेनिक एल्व, आर्सेनिक 30 जो है फ्रेंड्स, ये बहुत ही लाभदायक होती है कोरोना की स्थिति में। बुखार वगैरह होने में, प्यास ज़्यादा लग रही हो, तो अगर सारे लक्षण हो तो आप आर्सेनिक 30 यूज लगातार करते रहें और साथ में सभी मेडिसिन को आप लेते रहें लक्षणानुसार, ये बहुत ही फ़ायदा देती है। साथ में आप बगल अगल में कोई डॉक्टर हैं तो उससे, चिकित्सक से ज़रूर मिल लें, और ये मेडिसिन ऐसा मेडिसिन है फ्रेंड्स जो आज के टाइम में घर में ज़रूर रखें। ये आपको उस स्थिति में फ़ायदा पहुंचाएगी जिस स्थिति में कहीं दवा उपलब्ध नहीं भी होगी तब। तो फ्रेंड्स, उसके साथ खान पान पर ध्यान रखें, साथ में दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पिएं और परिश्रम करें, शारीरिक परिश्रम करें। 2 घंटे से ज़्यादा आप एक जगह बैठे ना रहें, शारीरिक परिश्रम करें, पसीना बहाएं उस तो ऐसा, और अच्छे फ्रूट्स वगैरह लें, खान पान ढंग से करें, और साथ में आप रोटी वगैरह यूज करें, दाल यूज करें, और बढ़िया बढ़िया जो फ्रूट्स हैं वो यूज करें, दूध यूज करें, तो आपको फ्रेंड्स इस स्थिति में इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ेगी और जितना ज़्यादा इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है उतना ज़्यादा कोरोना से आप दूर रह पाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार फिर आपसे विदा लेता हूँ अगले वीडियो तक, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। और फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल आप सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से हमको मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं नए नए वीडियो बनाता हूँ, और प्लीज़ नोटिफिकेशन को दबाएं फ्रेंड्स, जिसमें मेरा सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए, और साथ में फ्रेंड्स अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।